नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से रूबरू कराना है, जो अक्सर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, आईईएस, पीओ, यूजीसी नेट, सीडीएस, बैंकिंग और रेलवे आदि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स प्रश्नों की प्रकृति को समझना सरल होगा। क्वेश्चन नंबर वन, विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक मई 2019 को कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए किंगदाओ, ऑप्शन बी बिश्केक, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक 13 से 14 मई 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। WTO के DG और 16 विकासशील देश व 6 अल्प विकसित देश इस बैठक में भाग लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाने का प्रयास है। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक 13 से 14 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित होगी। ज्ञात हो कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1945 में बनाए गए गेट के स्थान पर की गई थी। वर्तमान समय में इसके 164 सदस्य हैं। इसके निदेशक रॉबर्ट एजेवेदो हैं। विदित हो कि 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमेरिका ने $200 बिलियन के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 13.5%। का सही जवाब है ऑप्शन सी 15%। दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर नवीनतम टैरिफ में वृद्धि कर दी है। $200 बिलियन के चीनी उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। 10 मई 2019 से ये नवीनतम दरें लागू हो गई, किंतु ऐसे उत्पाद जो पहले से ही अमेरिकी बंदरगाहों के रास्ते में है उनसे पहले की दर वसूल की जाएगी। अमेरिका ने $200 अरब के उत्पादों पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। ज्ञात हो कि पिछले साल मार्च में ट्रंप के चीन से आयातित इस्पात और एल्यूमिनियम पर भारी आयात शुल्क लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी आयात पर शुल्क लगा दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध छिड़ने का भय छा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए आरजी माधवन, ऑप्शन बी डेरेक सिप्पी, ऑप्शन सी थोपिल मोहम्मद मीरन और ऑप्शन डी रामास्वामी नायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थोपिल मोहम्मद मीरन। प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 74 वर्षीय थोपिल मोहम्मद मीरन का 10 मई 2019 को निधन हो गया। मोहम्मद मीरन ने 1988 या 2011 के बीच कई उपन्यासों को लिखा। उनके उपन्यासों ने मछुआरों की जिंदगी को मलयालम के साथ तमिल भाषा में बारीक और जटिल विवरणों के साथ स्पष्ट रूप से बयान किया। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों का 20वां सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी सूरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोच्चि। दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 8 से 10 मई 2019 तक कोच्चि में आयोजित किया गया। भारत ने इस सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष की हैसियत से की। भारत ने यह पदभार 1 जुलाई 2018 को 2 साल की अवधि के लिए संभाला है। क्वेश्चन नंबर 5,
35वें लॉस एंजलस एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट उत्तरी अमेरिकी ग्रैंड जूरी अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए येलो रोज, ऑप्शन बी ब्लू वाटर, ऑप्शन सी प्लस वन और ऑप्शन डी सी ड्रिफ्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए येलो रोज। डायने परगास द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित येलो रोज फिल्म को 35वें लॉस एंजलिस एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्ट उत्तरी अमेरिकी कथा फीचर के लिए ग्रांड जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फेस्टिवल 2 से 10 मई 2019 तक चला। वर्ष 1983 में स्थापित लॉस एंजलिस एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल दक्षिणी कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है, जो दुनिया भर के एशियाई और प्रशांत द्वीप की फिल्मों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का पुराना निर्णय बरकरार रखा। सरकारी सेवकों को परिणामी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकार को डाटा देकर साबित करना होगा कि वह समुदाय पिछड़ा हुआ है और उस पद पर आरक्षण की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7। न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को एक वर्ष में निपटाने हेतु जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जबलपुर उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। यह एक ऐसी पहली योजना है जिससे विभिन्न प्रकार के मामलों हेतु समय सीमा तथा न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने में सहायता मिलेगी। प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य लंबित मुकदमों को निस्तारित करने के पश्चात मुकदमों के दायर होने की दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए ग्रुप 6 ड्रिल, ऑप्शन बी स्ट्रिंग 6, ऑप्शन सी ग्रुप सेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रुप सेल। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के युद्ध पोतों ने दक्षिण चीन सागर में 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में भाग लिया। यह अभ्यास 3 से 9 मई 2019 के मध्य आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS शक्ति शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के साथ ही भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 9। किस धनी व्यक्ति ने हाल ही में चंद्रमा पर जाने वाले मून लैंडर का अनावरण किया? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी जैक मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने हाल ही में चंद्रमा पर जाने वाले एक मून लैंडर का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि यह उपकरण वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संभवतः मानव परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा। बेजोस ने इसे ब्लू नाम दिया। उल्लेखनीय है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और साथ ही वह अमेज़न और अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन दोनों के प्रमुख भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय समाचार पत्र को वैन इंफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर और ऑप्शन डी द पायनियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द हिंदू। दोस्तों, प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू ने वैन इंफ्रा एशियन मीडिया अवार्ड में बेस्ट इन प्रिंट श्रेणी के तहत एक स्वर्ण पुरस्कार जीता।
यह पुरस्कार मानकीकृत मुद्रण में उनकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार का फोकस अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार समाचार पत्रों की लगातार उच्च गुणवत्ता को मुद्रित करने की क्षमता दिखाना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।